तो अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दायर याचिकाओं पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसकी जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी के गठन का सुझाव दिया था। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसकी जानकारी देंगे। तो अडानी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज का दिन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम रहेगा। तो अडानी मामले पर आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर दो याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। हिंडनबर्ग के संस्थापक के खिलाफ जांच की मांग की जा रही है, उसे लेकर सुनवाई होगी। तो अडानी मामले पर आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निवेशकों के नुकसान पर चिंता जताई थी। यह दूसरी बार सुनवाई है। पिछली सुनवाई में निवेशकों के जो निवेश है उसको लेकर चिंता जताई थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर दो याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, उन पर एक रिपोर्ट मांगी थी। हिंडनबर्ग के संस्थापक के खिलाफ जांच की मांग हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में मौजूदा व्यवस्था की बेहतरी के लिए कमिटी गठन का सुझाव दिया गया था। तो पिछली सुनवाई पर कमिटी गठन का सुझाव दिया गया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की एक अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक सदन की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में होगी। माना जा रहा है कि सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष की क्या रणनीति रहे ये तय करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। तो आज समान विचारधारा वाले दलों की बैठक बुलाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में यह बैठक होगी। राज्यसभा में विपक्ष की रणनीति को लेकर आज इस पर चर्चा होगी कि राज्यसभा में विपक्ष की आगे की रणनीति क्या रहे। तो संसद में क्या आज फिर संग्राम होगा, ये बड़ा सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अहम बैठक बुलाई है जिसके बाद ये कयास लग रहे हैं कि आज भी संसद में हंगामा होगा। और जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, ये जो बैठक बुलाई है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राज्यसभा में विपक्ष की आगे की रणनीति तय करने को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, बहुत मुमकिन है कि आज भी हंगामा होगा? देखिए, पहले ये स्थिति साफ कर दूं कि सिर्फ राज्यसभा नहीं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को के नेता इस बैठक में रहते हैं। चूंकि वो विपक्ष के नेता हैं, इस लिहाज से उन्होंने बैठक बुलाई है और इस बैठक में तमाम विपक्षी दलों के नेता, 16 से 17 राजनीतिक दलों के नेता शामिल होते हैं इस बैठक में। और इसमें तय किया जाता है कि आखिर रणनीति क्या रहेगी, हाउस में किस तरह से सरकार को घेरना है। तो कुल मिलाजुला के आज के दिन में बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं है। राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ आपको बजट पास होना है। लोकसभा से बजट पास हो चुका है, राज्यसभा से बजट पास होगा, उसको फिर लोकसभा भेजा जाता है। तो इस बीच में चूंकि राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से उनको कांग्रेस को लगता है और अपोजिशन को लगता है कि एक्शन ले रही है सरकार, और सदन की तरफ से जो नोटिस दिया गया है, प्रिविलेज के नोटिस पर उनसे सवाल पूछा गया है, 15 तारीख तक जवाब मांगा गया है, तो इस कुल सारे मुद्दे को लेकर घेरने की तैयारी है। और ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं अडानी का मामले को लेकर और जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लेकर आज हंगामा होगा और सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि जेपीसी की मांग जो उनकी थी उसको लेकर क्या हुआ। तो जेपीसी की मांग करेगा विपक्ष, साथ ही साथ राहुल गांधी को जो राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इनके स्पीच के जो भाग को हटाया गया है, जिसको एक्सपंज किया है, उस मामले को उठाएगा विपक्ष और सरकार से सवाल करेगा कि आखिर इस मामले पर क्यों सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि बजट में अभी भी रिप्लाई होना है वित्त मंत्री का। तो वित्त मंत्री से भी कोशिश करेंगे कि ये अडानी वाले मसले पर कुछ ना कुछ कहे, जवाब दे सरकार। जी, और रवि, जो समान विचारधारा वाले जो विपक्षी दल है उनके साथ आकर बैठक करने की ये जो मांग बैठक हो रही है, लेकिन तमाम मुद्दों पर, चाहे ये अडानी मुद्दा हो या इससे पहले किसी भी मुद्दे पर, अगर विपक्षी दल साथ आते हैं, बैठक करते हैं, रणनीति जरूर बनाते हैं, लेकिन वो रणनीति कभी भी कारगर साबित होती नहीं नजर आती।
जी बिल्कुल, कई कई मामलों में देखिए, पहली बैठक जब हुई थी इस मामले को लेकर पार्लियामेंट में तो उसमें टीएमसी शामिल थी, दूसरी और तीसरी और चौथी बैठक आज जो होने जा रही है इसमें टीएमसी कहीं ना कहीं टीएमसी ने अपने आप को अलग कर लिया। आम आदमी पार्टी कुछ मामलों पर अलग हो जाती है, कभी टीएमसी अलग हो जाती है, तो विपक्षी को एकता बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है कांग्रेस पार्टी के लिए। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक मैसेज जाए कि सरकार के खिलाफ इतने विपक्षी दल एक साथ खड़े हैं, और तमाम जो जो मजबूत विपक्षी दल है जिसमें टीएमसी को माना जाता है, आम आदमी पार्टी को माना जाता है। अगर इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दे, राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी की शिकायत पर अब राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है। बीजेपी के आरोप के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और 15 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। नोटिस में राहुल के उस भाषण का जिक्र है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए थे। बीजेपी का कहना है कि राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गलत, असंसदीय और भ्रामक तथ्य पेश किए और बीजेपी के दो सांसदों ने इसकी शिकायत की थी। राहुल गांधी को नोटिस पर जवाब देना है 15 फरवरी तक। और जी मीडिया संवाददाता रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रवि, ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए थे, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये तमाम आरोप तथ्यहीन है, और अब राहुल गांधी को जो नोटिस मिला है उस पर उन्हें 15 फरवरी तक जवाब देना है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर सवाल खड़े किए, तमाम सारे आरोप लगाए उन्होंने प्रधानमंत्री पर, अडानी से उनका रिश्ता जो जोड़ा, तो 18 ऐसी बातें हैं जिनको एक्सपंज किया गया है कार्यवाही से। और उन बातों पर जिस तरह से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने प्रिविलेज मोशन मूव किया, तो स्पीकर ने उसी आधार पर उनको नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि राहुल गांधी क्या कहना चाहेंगे इन बातों पर। जो बीजेपी कह रही है कि आपको पहले उनको कहा गया था कि आप टेबल कीजिए सब चीजों को, ऑथेंटिकेट कीजिए सारी बातों को, बात आरोप लगा रहे हैं आप, लेकिन अगर नहीं माने तो उसके बाद उनको नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया। अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ आगे का एक्शन होगा, क्योंकि प्रिविलेज मोशन पर प्रिविलेज जो कमिटी होती है उसके पास भेजा जाता है सारे मामले को। अगर राहुल गांधी इन बातों का जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है, उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है, उनको कुछ और भी दिनों के लिए कहीं हाउस में आने से सस्पेंड किया जा सकता, तमाम सारी चीजें होती है। लेकिन ये तब निर्भर करता है जब उनका रिप्लाई नहीं आए, स्पीकर तय करे कि इसको प्रिविलेज कमिटी को भेजना है या नहीं भेजना है इस मामले को, उसके आधार पर सारा कुछ तय होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका इस पूरी जानकारी के लिए।